आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन बन गया है, क्योंकि ये जो भवन अपना जो सेक्रेटेरिएट का भवन है, ज्वाइंट पंजाब के समय 50s में ये कभी बना था। सेक्रेटेरिएट में ध्वजारोहण तो होता है, लेकिन उस समय से लेकर इस समय तक एक बहुत छोटे आकार का ध्वज यहाँ लहराया जाता रहा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री डीसी ढेसी जी के ये विचार बने और इन्होंने एक आइडिया जो मन में विचार किया उसको आज फलीभूत किया गया है कि एक 80 फुट ऊंचा ऐसा ध्वज, लगातार लहराने वाला ध्वज ये यहाँ लहराया जाए, ताकि यहाँ दोनों पंजाब सरकार हरियाणा सरकार के दोनों सेक्रेटरिएट और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का जो अपना महत्व है ये दूर से पता लगना चाहिए। तो चंडीगढ़ के एरिया में सबसे ऊंचा ध्वज 80 फुट का ये लहराया गया है। इस ध्वज का साइज 24 फुट बाई 16 फुट है। इसको हर 6 महीने बाद इसको बदला जाया करेगा, क्योंकि हवा में लहराते हुए संभावना रहती है कि उसका कहीं ना कहीं क्षण हो जाए। इससे बचने के लिए 6 महीने अथवा पहले कभी कोई शिकायत क्षण की मिल जाए तो उससे पहले जो भी जल्दी समय होगा उसको, यानी इसको बदला जाया करेगा। और ये ध्वज जो हमारे राष्ट्रीय गौरव का जो प्रतीक है, इससे राष्ट्रीय भावना, इससे लोग जो हैं जुड़ते हैं। देश की 125 करोड़ जनता यदि कुछ मान बिंदुओं के ऊपर एक होकर विचार करती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज के तीनों जो रंग हैं, इन तीनों रंगों का अपना महत्व है। जैसा इसमें केसरिया जो रंग है वो अपने आप में बलिदान का, त्याग का, तेज का, समर्पण का एक प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वो उसमें शांति का, सत्य का ये एक प्रतीक है। इस नाते से हमारे मन में एक भावना ये पैदा करता है। और जो हरा रंग है वो समृद्धि का, खुशहाली का, तरक्की का ये एक प्रतीक है। और जो गोल चक्र, अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स होती है, अगर हिंदी में क्या कहेंगे उसको, तिलिया, तो ये 24 तिलिया, ये एक प्रकार का समय चक्र, लगातार चलने वाला ये चक्र, ये इसका प्रतीक है कि हमारा जीवन गतिमान रहे और हम आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ये महत्व, ये देश के हर नागरिक के मन में है। इस श्रद्धा भाव को लगातार जागृत रखने के लिए ये ऊंचा ध्वज आज जो लगाया गया है। इस अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।